इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत को महासत्ता बनाएगा। यहाँ उपस्थित माननीय निर्णायक एवं प्रतिस्पर्धी आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी लाइफ विज्ञान के प्रयोग जैसी है, हम जितनी बार प्रयोग करेंगे पहले से अच्छी कामयाबी पाएंगे। प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हित में प्यार है, प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हित में प्यार है तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। भारतीय लोगों में पहले बहुत अंधविश्वास था, जैसे जैसे वह अंधविश्वास कम हो रहा है वैसे वैसे देश उन्नत कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस दिन लोगों में पूर्ण रूप से अंधविश्वास खत्म होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा उस दिन सही मायने में देश महासत्ता बन जाएगा। विज्ञान जिस प्रकार देश को सवार सकता है उसी प्रकार उजाड़ भी सकता है, जैसा कि 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के चेर्नोबिल नामक राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया था, जिससे निकलने वाला रेडिएशन यूक्रेन के कई राज्यों तक फैल गया और वह रेडिएशन अभी भी वहां पर उपलब्ध है। उस रेडिएशन की चपेट में जो कोई जाता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहां विज्ञान है वहां पर्यावरण की हानि निश्चित है, लेकिन हमें इसे बदलना होगा। विज्ञान वरदान है या अभिशाप यह हमें तय करना है, विज्ञान को नहीं। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान के रूप में सिद्ध करना होगा और यह तभी संभव है जब हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत को पुनः महाशक्ति बनने में रुकावट पैदा करती है। प्रथम पॉइंट है छोटी पॉलिटिक्स। अब समय बहुत हो चुका है जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर देश का समय बर्बाद कर दे रहे हैं। राजनीति इस सोच का काफी अच्छे से फायदा उठा कर हमसे हमारे 5 साल ले लेती है और फिर उन 5 साल क्या करते हैं, पछताते हैं। दूसरा पॉइंट है हमें शिक्षा का तरीका भारतीय करना होगा, बजाय इसके कि जो वेस्टर्न तरीका हम पिछले 150 साल से अपनाए हुए हैं। इस तरह की पढ़ाई ने हमारी सोच को काफी छोटा कर दिया है, हमें अपनी शिक्षा को प्रैक्टिकल करना होगा। विज्ञान हमें ज्ञानवान बनाता है लेकिन दर्शन बुद्धिमान बनाता है। कहा भी जाता है कि देख कर सीखे न कि देखा सीखी करे। फलस्वरूप देख कर सीखना एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जबकि देखा सीखी करना अंधविश्वास की पहचान है, क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियों के रहते एक समान प्रभाव के पीछे एक ही कारण हो या आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर अधिक भोजन लेने से पेट में दर्द होता है, खाली पेट में भी दर्द होता है और खराब भोजन लेने से पेट में दर्द होता है। अब आप स्वयं सोचिए किसी और के पेट दर्द की दवा यदि आप लेंगे तो आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा? संभव है यदि दोनों के पेट दर्द का कारण एक ही हो, अन्यथा स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। अंधविश्वास न सिर्फ देश के विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करता है अपितु वह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को नष्ट करता है, परिणाम स्वरूप देश के आगे बढ़ने में रुकावट पैदा होती है। माना विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत